हेलो गाइस, वेलकम टू एके आई टी एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो हमारी क्लास है वो हमारी क्लास है एंकर टेक के ऊपर, वेब डेवलपमेंट की। आज क्लास नंबर 4 है। तो आज की क्लास के अंदर हम सीखेंगे कि वेब डेवलपमेंट में हम एंकर टेक लगा के किस तरह से, जैसे मैं अभी आपको ये खोल के दिखाऊँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक टैब खोला हुआ है, ठीक है। इसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि ये फेसबुक का लिंक लगा हुआ है और गूगल का, ठीक है। इस तरह से इतने सारे यहाँ पे लिंक लगे हुए हैं और ये अब हम अपनी वेबसाइट में किस तरह लगा सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो के अंदर हम सीखेंगे। उससे पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको वेब डेवलपमेंट के हवाले से सारे कोर्सेज मिलने वाले हैं और फ्रीलांसिंग के हवाले से भी आपको कोर्सेज मिलने वाले हैं। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ और मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बना के रखा है वेब डेवलपमेंट, ठीक है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। सबसे पहले मैं इसको जाके ओपन करूँगा, बल्कि मैं इसको यहाँ से बंद करके राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है कि किस तरह से हमें विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करना है और उसकी सारी सेटिंग किस तरह करनी है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा या आई बटन में दे दूँगा, जाके देख लें पहले, ठीक है। यहाँ से वेब डेवलपमेंट में राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड करेंगे तो यहाँ पे ये कोड के अंदर हमारा फोल्डर ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है। पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि ये हेडिंग का टैग देखा था, पैराग्राफ का टैग देखा था, ठीक है। इसको अभी हम नीचे हटते हम यहाँ पे जाएंगे, एक और मैं न्यू बनाऊंगा फाइल और जिसका नाम मैं रखूँगा ट्यूटोरियल नंबर 4.html, ठीक है। ये मैंने एक नई फाइल बना ली ट्यूटोरियल नंबर 4.html। अब मैं यहाँ पे जाके शिफ्ट के साथ वन प्लेस करूँगा एमएट एब्रीवेशन, ये बॉयलर प्लेट में जल्दी से लगा लूँगा। तो मेरे को क्या करना है, मैं जल्दी से डॉक्यूमेंट को यहाँ से हटा के यहाँ पे लिखूँगा हाउ टू यूज लिंक इन HTML, ठीक है। जल्दी से मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया, हाउ टू यूज लिंक इन HTML, जो हमारी क्लास है आज की, ठीक है। तो चलते हैं, अब देखें, एक मिनट रुको। यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको लाइव सर्वर, यहाँ से मैं इसका लाइव सर्वर ओपन कर लूँगा। आपको यहाँ पे मैं स्क्रीन दिख रही होगी, राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मैं ये को ये ओपन करके देगा। मैं यहाँ से URL कॉपी करके अपने इसमें रखूँगा, गूगल क्रोम में आता हूँ, यहाँ पर मैं इसको खोल लूँगा, ठीक है। यहाँ पे हमारी फाइल आ चुकी है हाउ टू यूज लिंक इन HTML, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। तो क्या करते हैं हम, एंकर टैग होता है लिंक के लिए, हम जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं एंकर टैग, ठीक है। अब उसको किस तरह यूज़ करना होता है, ए लिखेंगे हम, ए लिख के जैसे आएगा ए लिख के एंटर दबा देंगे, ठीक है। अब href क्या है, ये एट्रीब्यूट है एंकर टैग का, इसके अंदर जो भी हमें देना है वो हम इसके अंदर URL दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ YouTube.com, ठीक है। ये हमारा एक लिंक हो गया। HTTPS भी लिखना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, HTTPS/YouTube.com, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख दूँगा Go to YouTube, ठीक है। अब जल्दी से जाके देखते हैं कि हमारा सर्वर ने काम करा भी या नहीं करा। तो यहाँ पे देखो लिख कर आ गया है go to youtube.com, ठीक है। इस तरह से अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी करके Ctrl+C और यहाँ पे मैं लाके इसको 2-3 दफ़ा पेस्ट कर दूँ, मैंने 5 दफ़ा इसको पेस्ट कर लिया, ठीक है। अब मैं इसके जल्दी जल्दी यह चेंज कर देता हूँ। अब आपको एक शॉर्टकट बता दूँ, जैसे ही आप अल्टर के साथ अपना माउस कल्टर रखेंगे तो ये हर जगह पे आपको कर्सर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको जल्दी से मिटा के यहाँ पे लिख देता हूँ google.com, और नीचे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ facebook.com, ठीक है। और इसके नीचे भी यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ twitter.com, और यहाँ पे मैं आके कुछ भी लिख देता हूँ
चलो इसको यहाँ से अभी हटा देते हैं, चलो यहाँ पे भी लिख देते हैं इसको, बल्कि यहीं से मैं हटा ही देता हूँ इसको, अभी खाली छोड़ देते हैं ठीक है। इसके अंदर हम कुछ भी लिंक नहीं डाल लें, इसको मैं खाली छोड़ के हैश लिख दूंगा ठीक है। अब आपको देखना, अब देखना क्या होगा। अब यहाँ से जल्दी जल्दी मैं टेक्स्ट चेंज करता हूँ। अब देखो अल्टर के साथ आप जैसी जहाँ जहाँ माउस क्लिक करोगे वहाँ वहाँ कर्सर आता जाएगा। अब मेरे को ये तीनों चेंज करने, तो मैं जल्दी से चेंज करता हूँ। क्या लिखूँ, गो टू यूट्यूब। अब गूगल के लिए गूगल ठीक है, यहाँ से भी अब मेरे को मिटाना पड़ेगा। यहाँ पे लिख लेता हूँ फेसबुक, यहाँ पे हम लिखते हैं ट्विटर, बल्कि मैंने यहाँ पे ट्विटर की स्पेलिंग गलत लिखी है, TWITER ठीक है। अब देखो ये तीन मैंने लगा लिए एंकर टैग। अब मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट में जाता हूँ, तो ये देखो ये किस तरह से इतना सारा ये कुछ आ गया। इसको मैं दोबारा रिलोड करता हूँ, तो यहाँ पे देखो ये आ चुका है, गो टू यूट्यूब, गो टू गूगल, गो टू फेसबुक, गो टू ट्विटर एंड गो टू यूट्यूब, ये दोबारा आ गया। यहाँ से मैं इसको जाके अभी इसको हटा देता हूँ ठीक है। यूट्यूब, गूगल, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, गो टू गूगल, गो टू फेसबुक, गो टू ट्विटर ठीक है। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, ओपन लिंक टैग न्यू टैब, तो यहाँ पे मुझे फेसबुक यूट्यूब खोल के दे रहा है। अब मैं गूगल पे क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पे गूगल खोल के दे रहा है, बैक आता हूँ और यहाँ फेसबुक पर क्लिक करूँगा तो फेसबुक खोल के दे रहा है, और ट्विटर पर क्लिक करूँगा तो ट्विटर मुझे यहाँ पर खोल के दे रहा है ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये ना लाइन से आ जाइए, तो बिल्कुल बेकार सा लग रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले जल्दी से क्या करेंगे, यहाँ पे हम चारों लाइन में कर्सर लेकर आएंगे और यहाँ लिख देंगे BR ठीक है। BR जैसे हमने लिखा, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मैंने BR टैग लगा दिए, कितनी जल्दी लगा दिए। ये VS कोड हमें प्रोवाइड करता है फैसिलिटी, जल्दी जल्दी हम अपना काम कर सकते हैं। अब देखें ये सारे लाइन से यहाँ पे आ गए ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये मेरी वेबसाइट के अंदर ही YouTube खोल रहा है ठीक है। अब अगर मैं ये चाहूँ तो ये कर सकता हूँ कि राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू टैब में, तो यहाँ पे एक ओपन होगा है ना। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस पर एक राइट क्लिक करूँ और ये दूसरे टैब में जाके ओपन होए, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट आता है टारगेट नाम से, टारगेट। अभी देखें, अब सबसे पहले हम देख लेते हैं एट्रीब्यूट और टैग में फ़र्क। जैसे देखें ये बॉडी टैग है, यहाँ पे मैं थोड़ा जूम करता हूँ इसे, और यहाँ से याला जो फाइल है इसको मैं बंद कर देता हूँ, याला पैनल। अब देखें बॉडी है ना, ये बॉडी है, ये टैग है इसका, ये ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है ये ठीक है, और ये हेड है, ये है इसका टैग ओपनिंग, ये क्लोजिंग टैग है और इसका ये ओपनिंग टैग है। इस तरह मेटा एक टैग है, ये जो भी सारे ब्लू से लिखे हुए हैं डार्क ब्लू से, वो टैग है ठीक है। एट्रीब्यूट क्या आता है, जो इसके अंदर हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे वो होता है एट्रीब्यूट। अब देखें जैसे ये मेटा टैग है ठीक है, इसके अंदर लिखा हुआ है नेम, कंटेंट, ये सारे इसके एट्रीब्यूट है ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इसको होवर करूँ अपने माउस को, तो यहाँ पे मुझे एट्रीब्यूट की डेफिनेशन भी बताता है, दिस एट्रीब्यूट डिफाइन द नेम ऑफ, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं इसको। और अगर उससे पहले मैं आपको एक बुक भी देना चाहूँगा, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, मैं आपको दिखाता हूँ HTML CSS की ये बुक है ठीक है। तो आप इसको जाके देख लीजिएगा, थोड़ा इसमें सारे टॉपिक कवर किए करे हुए, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाके आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है। ये सारी कुछ है इसमें, इसका ये मेन पेज है। तो चलते हैं अपनी मेन वीडियो की तरफ ठीक है। ये होता है एट्रीब्यूट, जिसको एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे ठीक है। और जो टैग जो होते हैं, बस उसका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होता है ठीक है ना। तो ये है एट्रीब्यूट, इसके अंदर एक और एट्रीब्यूट आता है टारगेट नाम से। मैं यहाँ पे लिखूँगा सबसे पहले अल्टर दबा के मैं अपने हर जगह कर्सर ले आऊँगा ठीक है। जैसे मैं कर्सर आया स्पेस टारगेट, टारगेट लिखकर एक एट्रीब्यूट यहाँ पे आपको दिख गया है। और ये वीजीएस स्टूडियो की हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि ये हमें ऑटो सजेशन देता है ठीक है। हमें पूरा TARGET पूरा नहीं लिखना पड़ेगा, हमने सिर्फ सिंपल टी लिखा, टी के बाद इसने ये सारे दे दिए। अब मैंने ए और लिखा तो इसने ये तीन दे दिए, जैसे आर लिखा तो इसने दे दिया टारगेट ठीक है। एंटर करूँगा, ये हमारे पास टारगेट आ गया।
टारगेट में मैं अगर लिख दूं ब्लैंक, टारगेट ब्लैंक, और यहाँ पे एक लगा दूं अंडरस्कोर, टारगेट ब्लैंक अंडरस्कोर। अब देखिए जैसे मैं यहाँ पे आया, अपनी साइट को रीलोड करी और इस पर जैसे क्लिक करूँगा तो ये न्यू टैब में खोल के देगा। ठीक है, इसका ये फ़ायदा होता है। अब देखें YouTube हमें न्यू टैब में खोल के दी, गूगल इसने न्यू टैब में खोल के दिया, ठीक है, Facebook इसने न्यू टैब में खोल के दी, ट्विटर इसने न्यू टैब में खोल के दी। हमें ये नहीं करना पड़ा कि राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू टैब, ये भी कर सकते थे मगर हमने ये शॉर्ट कर लिया और हमारी जो वेबसाइट है वो वहीं की वहीं खड़ी है। ठीक है, मैं जल्दी से क्लोज ऑल राइट टैब, मैंने सारे टैब बंद कर दिए। तो ये हमें करता है एंकर टैग, यहाँ हमें फैसिलिटी देता है। ठीक है, उसके बाद अगर देखें जैसे मैं एक और टैग लेता हूँ यहाँ पे एंकर टैग, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ हैश। ठीक है, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ वेब डेवलपमेंट कोर्स मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे लिख कर आ रहा है वेब डेवलपमेंट कोर्स। जैसे मैंने इस पर क्लिक करता हूँ तो ये कुछ ओपन ही नहीं हो रहा, ये ओपन नहीं हो रहा। ठीक है, क्योंकि हमने इसके अंदर लिंक नहीं दिया था, लिंक की जगह हमने क्या दिया है हैश। और हैश का क्या मतलब होता है, जो हमारा करंट पेज है ये उसी को रिलोड कर देगा। जब कोई बंदा आके इस पर क्लिक करेगा वेब डेवलपमेंट कोर्स पे, जब कोई क्लिक करेगा तो हमारा यही पेज रिलोड कर देगा, इसका मतलब होता है हैश। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ एक और मैं टैग लगा के दिखाता हूँ। अब ये तो सारे थे एक्सटर्नल लिंक लगाए हमने, ठीक है, एक्सटर्नल लिंक हमने लगाए। अब देखें जैसे मैं यहाँ पे आऊँगा और मैंने एक और ऐसी बनाया, ठीक है, जब जल्दी से मैं जाता हूँ गूगल पे जाके, गूगल पे लिखता हूँ वेब डेवलपमेंट कोर्स, वेब डेवलपमेंट कोर्स, ये यहाँ पे हमें एक लिंक नज़र आता है वेब फ्री वेब डेवलपमेंट कोर्स, इस पर मैंने लगाया तो ये हमें यहाँ पे लिंक मिल रहा है। बल्कि मैं अपनी वाली वेबसाइट खोलता हूँ, तो मैं जल्दी से अब क्या करूँगा अपनी पुरानी वाली एक वेबसाइट खोलूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक अपनी वेबसाइट खोल ली है, आपको यहाँ पे दिख रही होगी मेरी वेबसाइट ओपन हो रही है। ये मैंने अपनी वेबसाइट यहाँ पे ओपन कर ली है। अब मैं इसका यहाँ से लिंक लूंगा कंट्रोल सी और अपने विजय स्टूडियो में कोड में आके एक एंकर टैग लेता हूँ और इस एंकर टैग लेता हूँ और इसके अंदर अपनी जो वेबसाइट है उसका URL दे दूंगा कंट्रोल सी करके। यहाँ से यहाँ पे URL दे दिया और लिख दिया प्लीज विजिट माय वेबसाइट। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपना URL दे दिया और अपनी वेबसाइट का ये दे दिया कि जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं, जो यूज़र को दिखेगा ये भाई इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आता हूँ अपनी HTML की फ़ाइल के अंदर, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है वेब डेवलपमेंट, बल्कि यहाँ से मैं इसको यहाँ से याली जो है याला एंकर टैग हटा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल बस ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आ रहा है प्लीज़ विजिट माय वेबसाइट, इसको ओपन लिंक न्यू टैब, तो यहाँ पे ये ओपन हो गई। अब ये सारे थे एक्सटर्नल लिंक, यानी कि हमने किसी और की वेबसाइट से लिंक उठा के अपनी वेबसाइट में एम्बेड कर दिया। ठीक है, अब एक होता है इंटरनल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग मतलब कि हमारी जो पेज है और हमारी प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारे पेज हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मेरे पास दो फाइलें बनी हुई है। अब मैं चाहता हूँ कि index.html वाली फाइल ट्यूटोरियल नंबर 4 से मैं लिंक कर दूँ। अब इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एंटर मारता हूँ, यहाँ पे मैं सबसे पहले ना एक br का टैग लगा लेता हूँ ताकि हमारी लाइन ब्रेक हो जाए। यहाँ पे मैंने एंकर टैग लिया, एंटर, इसके अंदर हम मैं नाम लिख दूंगा इंडेक्स, जैसे इंडेक्स लिखा डॉट लिख के
HTML वो मुझे सजेशन दे रहा है कि भाई ये आपकी फ़ाइल पड़ी हुई है यही लिंक करना चाहते हैं, भाई जिनको यही लिंक करना चाहता हूँ ठीक है। और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ प्रीवियस क्लास, प्रीवियस ट्यूटोरियल, प्रीवियस ट्यूटोरियल नंबर 3, क्योंकि ये नंबर 3 क्लास थी, आज की 4 क्लास है ठीक है। इसके अंदर मैंने कुछ इस तरह लिख दिया। अब देखें मैं अपनी वेबसाइट पर जाऊंगा, इसको रीलोड करता हूं, तो यहां पे लिख कर आ रहा है प्रीवियस ट्यूटोरियल क्लास नंबर 3। जैसे मैं इस पर इसको मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूं, यहां पे क्लिक करूंगा तो ये हमारी पुरानी जो हमने सीखा था ये हेडिंग किस तरह डालनी है ये सारी हमें यहाँ पर खोल के दे रहा है ठीक है। ये हमने अपनी इंटरनल लिंकिंग करी। अब आपको आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एंकर टैग हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं ठीक है। तो आने वाली वीडियोस में मैं आपको डीपली इसमें सिखाने वाला हूँ ठीक है। उससे पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो कर लीजिए और आप इसकी ज़रूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि अगर प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं आएगा, आप वीडियो ही देखते रहेंगे सिर्फ ठीक है ना। तो चलते मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।